दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे अडर ग्रोथ इंजेक्शन को लेकर के, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अडर ग्रोथ का बेस्ट इंजेक्शन भी बताऊंगा और उसका फॉर्मुलेशन भी बताऊंगा, कब लगाना कब नहीं लगाना, कितनी मात्रा में लगाना, रिपीट कब करना और समय कौन सा निर्धारित करना, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो देखिए अडर ग्रोथ की जहाँ पर भी बात चलती है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, पहले मैं तरीका बताता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी आप विटामिन और मिनरल्स देना चाहते हैं वो सारे आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। नंबर वन बात, यानी अगर आप लिक्विड या पाउडर फॉर्म में देंगे तो फायदा ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा मात्रा में और ज्यादा तरीके के, यानी बहुत सारे तरीके के विटामिन मिनरल उसमें होते हैं जिनकी की जरूरत होती है। जैसे मिल्कोफीड प्लेटिनम हो गया, 24 के आसपास विटामिन मिनरल उसमें हैं, तो वो सारे के सारे ही पूर्ति हो जाएंगे, तो हमें अलग से इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी अगर बात हम इंजेक्शन की करें तो देखिए इंजेक्शन में अधिकतर विटामिन एच के जो इंजेक्शन है वो मार्केट में ज़्यादा प्रचलन में है और सभी विटामिन एच के इंजेक्शन लगा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जो विटामिन एच के हैं। कई भाई जो है वो दूसरे विटामिन के इंजेक्शन, जैसे कोई मिनरल का इंजेक्शन हो गया, अन्य विटामिन के इंजेक्शन हो गए, जिनमें अगर हम बात करें तो हाईविट प्लस ले लीजिए, इसका भी इस्तेमाल कई लोग करवाते हैं, और कई स्टीम वेट का इस्तेमाल करवाते हैं, स्टीम वेट या मिनजेट, जिसमें कि मैग्नीज होता है, जिसमें सेलेनियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, उनका भी कई लोग इस्तेमाल करवाते हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहेगा कि अडर ग्रोथ के लिए कोई भी आप इंजेक्शन यूज़ करवाएं, सिंगल डोज या दो डोज, इससे ऊपर कभी नहीं लगवाना। लोगों ने पता नहीं क्या डर्रा बना लिया है, हर 10 दिन से साहब एक अडर ग्रोथ का इंजेक्शन लगा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अडर ग्रोथ का आप कोई सा भी इंजेक्शन ले रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उदाहरण के तौर पर मैं यह ले रहा हूँ कि विटामिन AD3EH यानी बायोटिन वाला इंजेक्शन जो है V5 बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बड़ी जो गायें हैं HF और बड़ी जो भैंसें हैं उनमें 10 ml लगाया जाता है और नॉर्मल गाय भैंस में 5 ml लगाया जाता है। तो ये 10 या 5 ml लगाना, ये रिपीट कब होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नॉर्मल डोज में यहाँ पर अगर लिखूँ तो वो है 5 ml इंट्रा मस्कुलर, यानी कि मांस में ये लगाया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए 15-15 दिन के गैप से 2 बार लगवा दीजिए, बार बार लगवाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 डोज, यानी इसको अगर आप रिपीट की हम अगर बात करें तो रिपीट कितने दिन से करना है, 15 दिन से करना है, और मात्र 2 डोज इसकी आपको यूज़ करवानी है, यानी तीसरी डोज इस्तेमाल ही नहीं करवानी है, 2 डोज में ही रिजल्ट मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा इंजेक्शन लें जिसमें बायोटिन हो, विटामिन AD3E हो गई बात। इसके अलावा अगर मान लीजिए कई जो है, हालांकि मेन इंजेक्शन यही है, इसके अलावा कई स्टीम वेट का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टीम वेट या मिनजेट का, तो उसकी सिर्फ एक सिंगल डोज ही लगती है, उसको रिपीट नहीं करना होता। और अगर आप हाईविट प्लस वगैरह लगा रहे हैं तो उनको सप्ताह से रिपीट किया जा सकता है, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो इसमें कम है। तो सबसे बेस्ट इंजेक्शन AD3EH वाला ही लगाया जाता है, चाहे किसी भी कंपनी का लगाएं, और इसको 15-15 दिन के गैप से सिर्फ 2 बार ही रिपीट करना है, बार बार नहीं लगाना है। आप बाकी की जो काम करना चाह रहे हैं वो विटामिन मिनरल के पाउडर या लिक्विड जो भी आते हैं वो ओरली दे दीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। अब कहेंगे साहब लगवाना कब है, समय कौन सा बेस्ट रहेगा, तो अगर हम बात समय की करें तो देखिए जब भी कोई भी गाय भैंस, मान लीजिए गाय है, तो उसके लिए अडर ग्रोथ 7वां 8वां महीना सबसे बेस्ट रहता है। तो इन्हीं 7वें 8वें महीने को ही आप इसमें लगाने के लिए चुन लीजिए। इसके अलावा भैंस की अगर बात करें तो 8वां और 9वां महीना बेस्ट रहता है। तो इन्हीं 8वें और 9वें महीने में 15-15 दिन के गैप से 2 जो है टाइम आप चुन लीजिए। तो मात्रा होगी, समय हो गया, और रिपीट आप कैसे करेंगे, विधि मैंने आपको बता दी है। तो प्लीज़ गलतियां ना करें। जो पशु गाभिन है वो वाकई स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस में पहले से ही है, और कोई भी इंजेक्शन, देखो नीडल, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि लिक्विड और मिनरल यूज़ कीजिए, पाउडर यूज़ कीजिए, वो इसलिए यूज़ कह रहा हूँ कि जब भी कोई नीडल प्रिक होती है, इंजेक्शन लगते हैं, तो वाकई पशु को स्ट्रेस होता है।
और हम ये कतई नहीं चाहते कि हमारी गैबिन को स्ट्रेस हो, इसीलिए जहाँ तक हो सके बिना इंजेक्शन के हमें यूज़ करवाना है फॉर्मूला, और अगर मान लीजिए ज़रूरत ही पड़ गई तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और ऑल ओवर ट्रीटमेंट की जानकारियाँ बारीकियाँ सीखना चाहते हैं तो हमारा वेट लाइफ चेंजिंग ऑनलाइन सेशन हर महीने की 21 से शुरू होता है, तो इस महीने की भी 21 से शुरू होने वाला है। रामावत एनिमल ऐप पर आपको डेमो क्लासेस मिलेगी, फ्री क्लासेस मिलेगी, वहां पर मैं फ्री लाइव भी आता हूं, तो आप पूरा नॉलेज वहां से ले सकते हैं।